नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग 3 में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में किन कारणों से होल्ड पर रखा जा रहा है। आज हम इस वीडियो में इन सभी प्रमुख कारणों पर बात करेंगे। तो देखें, वेरिफिकेशन प्रक्रिया जो वर्ग 3 की वर्तमान में चल रही है, तो इस वेरिफिकेशन प्रक्रिया में निम्न कारणों से होल्ड पर रखा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहला कारण तो है यदि आपका आपकी अभी रनिंग डिग्री या डिप्लोमा चल रहा है और आपकी मार्कशीट या तो रनिंग चल रही है या आपके एग्जाम हो चुके हैं, आपकी नेट की मार्कशीट लगाई हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, तो इन सभी कारणों को होल्ड पर रखा जा रहा है। साथ ही साथ यदि आपका वेरिफिकेशन हो गया हो और आपको किन इन कारणों के अलावा किसी अदर कारण से ही होल्ड पर रखा गया हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण है होल्ड पर रखे जाने का अतिथि अनुभव। कहने का तात्पर्य है अनुभव के 3 सत्र कंप्लीट नहीं है, 2 सत्र थी या अनुभव संबंधित त्रुटियां हैं जिसके कारण होल्ड पर रखा जा रहा है। तीसरा प्रमुख कारण है कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने देखा था कि जो नियम आए थी उनमें डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आपका ऑफलाइन है तो उस कैटेगरी में भी होल्ड पर रखा जा रहा है। इसके अलावा किन कैटेगरी में होल्ड पर नहीं रखा जा रहा है, यदि आपकी छोटी मोटी कोई गलती है, जैसे आपकी स्पेलिंग में छोटी सी त्रुटि है, स्पेस नहीं है, तो इन कारणों पर होल्ड पर नहीं रखा जा रहा है। इसके अलावा यदि आप दिव्यांग हैं और आपके पास डिजिटल या ऑनलाइन डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, तब उस स्थिति में भी आपको होल्ड पर रखा जा रहा है। साथ ही साथ यदि आपकी इनकम सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं है, ऑफलाइन है, तो उसे भी होल्ड पर रखा जा रहा है। यदि आपको करंट का नहीं है, 2-3 साल पुराना है, तो उसमें भी समस्याएं कहीं कहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि सभी सेंटर में ही समस्या उत्पन्न हो रही है, कहीं पर उत्पन्न इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित तो नहीं हो रही है और कहीं पर हो रही है। यदि आपको इन सभी टॉपिक्स के अलावा किसी अदर रीजन से होल्ड पर रखा गया है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उससे दूसरे जो भी अपने छात्र कैंडिडेट हैं उन्हें अवेयर करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।